नमस्कार। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर यहाँ एनआरसी के मुद्दे को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है एनआरसी के विरोध में, जो 19 लाख लोगों को एनआरसी लिस्ट से बाहर निकाला गया है उसके विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो हमारे साथ में ऑल बंगाली यूथ एंड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट रोहिन दास जी है, उनसे जानेंगे कि ये क्या पूरा मामला। नमस्कार। पूरा भारतवर्ष की ओर से मैं ऑल बंगाली स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सभी भारतवर्षियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को सबको मालूम है आसाम में एनआरसी का प्रोसेस चल रहा है। उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, 19 लाख का ऊपर लोगों को विदेशी बना दिया गया है। उनको नाम भूटान लिस्ट या भूटान लिस्ट नहीं है, एनआरसी का जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट है, उससे काट दिया गया है। ऐसे हो गया कि अभी उनको अभी ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। जो आदमी खाना खाने का औकात नहीं है आदमी के पास, जिसके पास कमाने का पैसा नहीं है, वो ट्राइब्यूनल में जाके कैसे वकील पकड़ेगा, कैसे उसका केस मूव करेगा, कैसे हियरिंग करेगा। हमारा आसाम में 57 लोग अभी तक उनका डेथ हो गया है, एनआरसी का नाम नहीं था इसलिए उन लोगों ने आत्महत्या कर लिया है। डिटेंशन कैंप में जो लोग इतना अत्याचार हो रहा है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, हेल्थ नहीं मिल रहा है, उनका बच्चा है, उनका साथ बेटी भी है, बेटा भी है, ये सब सारे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की तत्वावधान में जो एनआरसी का प्रोसेस चल रहा है, आसाम का जो चीफ हमारा चीफ जो है प्रतीक हाजेला, उनका निरीक्षण में ये हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, वो ठीक तरफ से नहीं हो रहा है। प्रतीक हाजेला जी जो कर रहा है वो अगेंस्ट बंगाली कम्युनिटी का ऊपर कर रहा है, इसीलिए 19 लाख का ऊपर को लोग को बाहर निकाल दिया गया है। तो ऐसे में हम लोग तो क्या करेंगे, पूरा दुनिया का बंगाली जितना है हम लोग लड़ते रहेंगे। बंगाली बांग्लादेशी नहीं है, ये बंगाली कम्युनिटी का लोग बांग्लादेशी नहीं है, आपको पूरा मालूम है। इस इंडिया, इस भारतवर्ष को स्वाधीन बनाने के लिए बंगाली लोगों ने जितना आत्ताहुति दिया है ये सबका मानना पड़ेगा। हमारा विनय बादल दिनेश 19 साल में वो शहीद हो गया था, हमारा खुदीराम बसु, हमारा विनय बादल दिनेश सूर्य सेन। उसमें एनआरसी में लिस्ट में जो शामिल करने की प्रक्रिया रखी गई है या जो दायरा रखा गया है वो क्या है? ये अभी तो ये फाइनल लिस्ट निकल गया है। जैसे कि मतलब कब तक के रहवासी उनको एनआरसी लिस्ट में माना जाएगा और उसके बाद अभी क्या करना पड़ेगा? अभी 120 डेज दे दिया गया है, इसका अंदर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये जनरल वेरिफिकेशन में नहीं होगा, ये अभी उन लोगों को जाना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, वकील पकड़ना पड़ेगा। एक वकील का कितना फीस है, कितना चक्कर लाना पड़ेगा, उसका बाद उनका प्रोसेस में आएगा। 19 लाख जो लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया है उनमें से किन किन जाति के और किन किन? इसमें ज़्यादातर हिंदू बंगाली को बाहर निकाल दिया गया, 9 लाख मुस्लिम और 10 लाख मुस्लिम थोड़ा कम होगा, 7 लाख का आसपास होगा, 11 लाख का बंगाली हिंदू को बाहर निकाल। हिंदू में कौन, SC ST OBC? नहीं, हमारा हिंदू में कोई SC ST नहीं है, सब हिंदू है, हम लोग जो भी है सब हिंदू है, इसमें कोई विवाद नहीं है। हमारा हिंदू में कोई विवाद नहीं है, हमारा बंगाली में कोई विवाद नहीं है, हम हिंदू है, हिंदुस्तानी है, हम भारतीय है भाई, हम भारत का रहने वाला है, हम बांग्लादेशी नहीं है। तो जैसा कि ऐसा कहा जाता है कि ये मुसलमानों के विरोध का कानून है, तो ये आज तक कोई एक मुसलमान को निकल दिया है उन लोगों ने, तो क्या कानून बनाया है? तो इसका मतलब ये हिंदुओं के विरोध में, हिंदू के विरोध में, ये हिंदी भाई हमारा जो है हिंदू का विरोध में काम कर रहा है। हमारा हिंदी वाला जितना भाई है सब हिंदू को विरोध में काम कर रहा है, बंगाली हिंदू की विरोध में काम कर रहा है। ऐसा हाल है, अभी सुनिए, हमारा 57 लोगों का डेथ हो गया, ये एनआरसी लिस्ट में नहीं है, उन्होंने इतना सडनली उनका सदमा लगा है, अचानक उनका डेथ हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? प्रतीक हाजेला लेगा उसका जिम्मेदार, ये सुप्रीम कोर्ट लेगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेगा उसका जिम्मेदार? उनका जो डेथ हुआ है, कोई भी मंत्री कोई भी नेता जाके उनका पूछा है, देखा है उनका परिवार में किस हाल में रह रहा है? डिटेंशन कैंप में बच्चे को ले गया है, माँ को ले गया है, पिता बाहर है, माता को ले गया है, बच्चा लोग क्या करेगा? इनका कोई खाना नहीं है, कोई हेल्थ नहीं है, वो बिना ट्रीटमेंट के मर रहा है। वो लोग कोई जानता नहीं है, मीडिया वालों को भी नहीं घुसने देता है वो लोग। क्या मीडिया वालों को भी वहाँ कवरेज करने के लिए अलाउ है? वो लोग नहीं देता है, ऐसा वो लोग ऐसे है गोरु छागल जैसे है ना वैसे वहाँ पे उसको। आपको क्या लगता है इस सारे मामले के पीछे, अभी ये मामला उपस्थित किया जा रहा है तो क्या लगता है, क्या राष्ट्रीय लेवल के जो मुद्दे हैं जैसे 370 है, EBM का मुद्दा है, इनसे ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि आज की डेट में EBM का जो मुद्दा है उसको लेकर चाहे ममता बनर्जी हो या शरद पवार जी हो या कोई भी राष्ट्रीय लेवल के कई नेता इसके विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, चाहे सामाजिक संगठन के बावन मेसराम हो, बामसेफ के, तो आपको क्या लगता है जो राष्ट्रीय लेवल के मुद्दों को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसा तो नहीं किया जा रहा है? देखिए, हमको ये कुछ नहीं मालूम है, हम ये बोलना भी नहीं
नहीं चाहते। हम जानते हैं हमारा बंगाली हिंदू का या बंगाली का जितना भी नाम बाहर निकाल दिया गया है सबका नाम माने जल्द से जल्द विदाउट एनी वेरिफिकेशन करो, लेकिन कोई ट्राइब्यूनल में नहीं जा रहे, जनरल वेरिफिकेशन के अंदर उनका नाम NRC में आना चाहिए, पहली बात है। दूसरा बात है डिटेंशन कैंप उठा देना चाहिए। पहले 2014 में जब हमारे आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिलचर में गए थे, उन्होंने कहा है कि हम पावर में आते ही डिटेंशन कैंप लात मार के निकाल देंगे, लेकिन आज पाँच साल का ऊपर हो गया, डिटेंशन कैंप में अभी पहले अगर 20% थे अभी 30% हो गया, तो ये तो हमारा लिए बहुत ख़राब बात है। आदमी लोग डिटेंशन कैंप में इतना गाय बकरी के जरूरत रह रहा है, तो ये इसका क्या मतलब है? सरकार क्या चाहता है? बंगाली को शेष करने के लिए, बंगाली लोगों को एकदम बाँट बाँट के खाने के लिए? और ये बंगाली इस देश को आज़ाद करवाया था, ये है बंगाली का हाल आजकल? तो भैया ये देश का जो हमारा शासन तंत्र बना है, जो बैठा है, उनको हमारा बंगाली कम्युनिटी से ये चेतावनी है, हमारा जो NRC में जितना लोगों का नाम नहीं है उनका नाम जल्द से जल्द हमारा NRC लिस्ट में होना चाहिए। डिटेंशन कैंप बढ़ देना चाहिए। डी बुटर जिसको विदेशी लगा के रखा है, डाउटफुल बुटर, इस डी बुटर को भी ख़त्म कर देना चाहिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।